अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमल हाशमी। जिद्दत के इस दौर में अपने डॉक्टर हम खुद ही हैं। कोई भी बीमारी हो, ओवर द काउंटर जाके मेडिसिन ली और खाया पिया हजम कर लिया। सेल्फ मेडिकेशन किस हद तक नुकसानदेह है, क्यों होती है? ओवर द काउंटर अगर मेडिसिन मिलती हैं तो गवर्नमेंट कहाँ है, हेल्थ डिपार्टमेंट क्या कर रहा है और फार्मेसीज को ये छूट किसने दी है, लोग किस हद तक कसूरवार हैं, ये आज आपको बताएंगे बनाम सरकार। पाकिस्तान में कागजी हद तक पेपर्स के अंदर ट्रैंकुलाइजर ओवर द काउंटर अवेलेबल नहीं होते, लेकिन हम ये भी प्रैक्टिस देखते हैं कि फार्मेसी पर जाकर आप नींद की गोली का पत्ता विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हासिल कर सकते हैं। मैंने बहुत दफ़ा ये प्रैक्टिस की है ऑफ कैमरा और एक्चुअली आपको ये मेडिसिन मिल जाती है, वो आपसे प्रिस्क्रिप्शन नहीं मांगते हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं खुद तो नहीं जाऊंगी, लोग पहचान लेते हैं या उन्हें पता लग जाता है कि ये शायद वीडियो बन रही है या कुछ हो रहा है। मैंने अपने प्रोड्यूसर को भेजा, उन्होंने नींद की गोलियों का पत्ता हासिल किया विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। देखिए सर, अस्सलाम वालेकुम। मार्केट से मिल रही नहीं थी, काटने की पर्ची होती है जो थी, तो खतरनाक दवाई नहीं मिलती हो गया। चलें, शुक्रिया। नहीं जी, बगैर प्रिस्क्रिप्शन के ये 3 लेक्सोटनल के पत्ते मुझे बड़े आराम से शहर की मॉडल शाहरा जेल रोड पर बड़े आराम से मिल गए, जो पेपर्स में कहते हैं कि नहीं मिलेंगे। अच्छा, ये देखा आपने, नींद की गोलियों का पत्ता जो है वो बड़े आराम से ओवर द काउंटर मिल गया विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। और इसमें मैं थोड़ा सा ये ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी कि जो फार्मेसीज ब्रांड नेम के साथ हैं, जिनको बड़ी फार्मेसीज कहा जाता है, वो रूल्स को फॉलो भी करती हैं, प्रिस्क्रिप्शन मांगते भी हैं, लेकिन गली मोहल्ले में ये छोटी फार्मेसीज जो हैं उनको सिर्फ अपनी सेल से गर्ज है, क्योंकि चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है ना। इसके साथ साथ एंटीबायोटिक्स, जिसका ना कोई रिकॉर्ड मौजूद है, ना हेल्थ डिपार्टमेंट इसको मना करता है कि ओवर द काउंटर ये सेल नहीं हो सकती, वो भी बड़े आराम से मिल जाती हैं। आप खुद भी इस चीज़ के गवाह होंगे, लेकिन ये भी देखिए, मेरे प्रोड्यूसर सभी गए और एंटीबायोटिक उन्होंने ओवर द काउंटर ख़रीदी और ख़रीदने के बाद वो आराम से फार्मेसी से बाहर आ गए। किसी ने नहीं पूछा किस चीज़ के लिए चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन है या नहीं है। देखिए, अस्सलाम वालेकुम। एज़ोमैक्स कितनी चाहिए? पैक ही चाहिए। जब भी सेल्फ मेडिकेशन की बात की जाती है, कुछ मेडिसिन की लिस्ट जो अप्रूव की होती है, हर मुल्क की अपनी कैटेगरी होती है, जिसमें ओवर द काउंटर वो मेडिसिन अलाउ की जाती हैं, जिसमें पैरासीटामोल फार्मूला की मेडिसिन मिल जाती हैं, ब्रूफेन या वाइट सिरप, जैसे डॉक्टर साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने भी बताया कि वो ओवर द काउंटर अवेलेबल हो जाती है, लेकिन कुछ मेडिसिन की लिस्ट है जो नहीं मिलनी चाहिए। उसमें आप स्टेरॉइड्स ले लीजिए, ट्रैंकुलाइजर्स ले लीजिए, एंटीबायोटिक्स ले लीजिए, जो एक बहुत गलत प्रैक्टिस है कि ओवर द काउंटर आपको एंटीबायोटिक्स इतने आराम से मिल जाती हैं कि आपको समझ भी नहीं होती है कि आपकी बीमारी के लिए ये है या नहीं, कितने दिन के लिए लेनी है, कितने MGs की लेनी है। आप टोटली रिलाई कर लेते हैं फार्मासिस्ट के ऊपर, डॉक्टर पर जाने के बजाय, वो आपको ठीक करने के बजाय इन अ लॉन्गर रन उसका इतना नुकसान होता है कि जब एक्चुअल उस मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है तो वो आपको असर नहीं करती हैं। और फिर जैसे हम कहते हैं कि अक्सर बहुत सी बीमारियां हैं जो बड़ा लेट डायग्नोज होती हैं या इतनी कम उम्र में आपको कोई ना कोई बीमारी लग जाती है, उसकी वजह भी ये है कि हम बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के डॉक्टर को दिखाए सारी ज़िंदगी इतनी मेडिसिन लेते रहते हैं जो हमारी हेल्थ को आहिस्ता आहिस्ता हर गुजरते दिन के साथ साथ डाउन कर रही होती है। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या नाम है आपका सर? जाहिद। जाहिद साहब, मुझे ये बताएं, आपने कभी खुद से मेडिसिन ली है? ये आम रूटीन में जब कोई पेन किलर वगैरह जो होती है, सर में दर्द हो गया, बस ये टेबलेट तो मिल जाती है, आम पैनाडोल ये यूज़ करते हैं। ये तो आम मिल जाती है, लेकिन सारी दवाइयाँ आम मिल जाती हैं। आप डिप्रेशन की गोलियाँ भी ले लें तो एंटीबायोटिक भी ले लें, प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मिल जाती है। असल में ना, ये जो स्टोर होते हैं ना गली मोहल्लों में, छोटे स्टोर होते हैं, वहाँ पर ये दे देते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पर बड़ा रुझान है कि हम डॉक्टर पर जाने के बजाय ना पहले फार्मेसी पर जाते हैं, और बहुत से लोग तो फार्मासिस्ट से पूछ लेते हैं, यार मेरे पेट में दर्द है, मुझे बताओ मैं कौन सी दवाई खाऊं। सही कह रही हैं आप, लोग जो है ना डॉक्टरों की फीस अफोर्ड नहीं करते हैं, जो कर सकते हैं वो बेचारे जाते हैं, जो अफोर्ड कर लेते हैं वो सबसे पहले डॉक्टर के पास रजू करते हैं, ताकि कोई ऐसी मेडिसिन जो अपनी मर्जी से लें उसका नुकसान, रिएक्शन भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, इसलिए। तो आपको ये लगता है कि पैसे लोगों का मसला है, कि महंगाई की वजह से? महंगाई तो है ना, उसकी वजह से लोग जो है ना वो डॉक्टर पे नहीं जाते। जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम
वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? माई सेल्फ इश्तियाक अहमद। इश्तियाक साहब, मुझे ये बताएं, कभी आपको कोई खुदा न खास्ता प्रॉब्लम हुई हो हेल्थ वाइज, डॉक्टर पे जाते हैं या खुद दवाई ले लेते हैं? प्रेफरेबली तो यही होता है कि डॉक्टर से ही जो है प्रिस्क्रिप्शन ली जाए और उसके बाद ही फिर जो है वो की जाए, क्योंकि वो सेल्फ मेडिकेशन एज यू नो जिस तरह कहा जाता है कि नीम हकीम खतरा है जान, तो हमारे यहाँ पर तो यही प्रैक्टिस चल रही होती है कि बहुत सारे लोग कोई भी ऐसी जो है वो मतलब इनिशियली जो भी उनको सिम्टम्स आते हैं तो उसकी बेसिस पर जाके वो लोग खुद ही अपने तौर पर ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी द प्रैक्टिस। लेकिन नॉर्मली मुझे लगता है यहाँ पे हर कोई डॉक्टर है। पेट खराब हुआ है, पेट खराब हुआ है तो कौन सी गोली खाई जाती है अमूमन? वो तो आपको बताइए, मतलब जो है वो यहाँ पर तो हर बंदा ही जानता है कि जनाब इंटामिजोल में कोई भी जो है वो मेडिसिन ले ली जाए, इस तरह से होता है, फ्लैजल ले लेते हैं लोग। डॉक्टर की फीस वगैरह बचाने के लिए लोग यही कोशिश करते हैं कि जनाब फार्मेसी वगैरह से ही जो है वो कंसर्न कर लिया जाए। और जहाँ तक फार्मेसीज का ताल्लुक है तो वो भी आप बेहतर समझती हैं कि बहुत ही लिमिटेड फार्मेसीज हैं कि जहाँ पर जो है वो स्पेशलाइज फार्मेसिस्ट मौजूद होते हैं जो प्रिस्क्रिप्शन के बगैर भी मिल जाती हैं, ओवर द काउंटर जो मेडिसिन मिल जाती है, ये प्रैक्टिस वैसे गलत नहीं है? होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ पर जो है वो इस तरह से एक सिलसिला चल रहा है, हर तरफ यही सब कुछ जो है प्रैक्टिस हो रही है। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। और ये बात इनके बिल्कुल ठीक है कि ये प्रैक्टिस यहाँ पर चल रही है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मैं यूके गई और वहाँ पर तबीयत ख़राब हो गई, अब मुझे नहीं पता था कि किधर जाना है, किस तरह से क्या करना है। वॉमिट्स हो रही थी, ओवर द काउंटर में एंटी वॉमिट नहीं ले सकी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। दैट इज़ द सिस्टम वी वांट इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम हो कि आपको मेडिसिन ना मिले बाकायदा प्रिस्क्रिप्शन, रजिस्टर्ड डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर किसी भी फार्मेसी पे कोई भी मेडिसिन अवेलेबल नहीं होती उस दुनिया में, डेवलप कंट्रीज़ में, जिसका हम जिक्र करते हैं और रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। आई थिंक हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा अगर वो इसको चैलेंज मान लें और अपना लें। लेकिन फ़िलहाल तो हेल्थ डिपार्टमेंट और बहुत से इशूज़ के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो इशू कई सालों से चला आ रहा है, ये प्रैक्टिस जो बहुत अच्छे से चली आ रही है, इसके ऊपर उनको ना सिर्फ नज़र करने की ज़रूरत है बल्कि बाकायदा एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत है और फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम। क्या नाम है आपका? सुहेल लियाज़। सुहेल, कभी ऐसा हुआ है कि खुदा ना खास्ता आपकी तबीयत ख़राब हुई हो, डॉक्टर पर जाने के बजाय आपने फार्मेसी से दवाई लेके खा ली हो? ऐसा हुआ है। क्या हुआ था? बुखार हुआ था तो पैनाडोल वगैरह, और इसके अलावा कोई जो पता थी ना दवाइयों का वो ली। कौन सी दवाइयों का आपको पता है? पैनाडोल होगी, डिस्प्रिन वगैरह, ये जो ये पता है। पेट खराब हो तो क्या लेते हो? ये फ्लेजल वगैरह। गला खराब हो तो क्या लेते हो? गला खराब हो तो जो यूज करते थे ना वो सिरप वगैरह, जो याद हो तो वो ले लेते हैं। वो ले लेते हैं, और अगर याद ना हो तो फार्मेसी वाले से पूछ लेते हो? हाँ जी, वो दे देते हैं। वो दे देते हैं कि भाई गला बड़ा खराब है, एंटीबायोटिक दे दो। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर की इजाजत के बगैर दवाई नहीं खानी चाहिए? जी वो बात आपकी सही है, पर आजकल डॉक्टरों ने भी फीस बहुत ज़्यादा की हुई है, जो आम बंदा जो है ना वो नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। सरकारी अस्पतालों में तो मुफ्त है ना वो, जो है वो भी लिख देते हैं ना, दवाई तो नहीं ना देते, दवाई आगे से लेकिन लिख के तो देते हैं, पर्ची डॉक्टर की होनी चाहिए ना, डॉक्टर बताएगा कि क्या खाना है। हाँ जी वो बात आपकी सही है। वैसे फार्मेसी वालों ने कभी रोका नहीं कि नहीं ये दवाई नहीं मिलनी? नहीं 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 रोका। गलत बात नहीं है ये? गलत बात है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। अच्छा मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ है कि खुदा ना खास्ता आपकी तबीयत खराब हुई हो तो डॉक्टर पे जाने के बजाय फार्मेसी से दवाई ले ली हो? ले लेते हैं अक्सर। वैसे ये गलत प्रैक्टिस नहीं है? गलत है वो, दवाई आपको फायदा देने के बजाय नुकसान दे देती है? हाँ जी देती है वो, अब इमरजेंसी नहीं, कोई कन्वेंस का मसला है तो जल्दी नहीं है घर पे, जल्दी सी ले लेते हैं मेडिकल स्टोर से। मेडिकल स्टोर? कौन कौन सी दवाइयाँ वैसे आपने फार्मेसी से वैसे ही ले ली है डॉक्टर को दिखाए बगैर? ऐसे निम्स ले लेते हैं, कभी मैदे के दर्द की ले ली, कभी खांसी का सिरप ले लिया, बुखार का ले लिया, दर्दे हैं मोरों में, दर्दे हैं उसके लिए ले ली। खुद ही पेन किलर्स खा? हाँ जी खुद ही ले ली, मेडिकल स्टोर वालों को बताते हैं वो बना के दे देते हैं। प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं मांगते वो आपसे? नहीं। लेकिन ये गलत बात है ना वैसे? हाँ जी तो है, तो गलत बात है। गवर्नमेंट को चाहिए इस पे एक सिस्टम बनाए। हाँ जी बनाना चाहिए। आप रोकेंगी अपने आप को कि पहले डॉक्टर के बजाऊँ फिर फार्मेसी? नहीं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। सलामकुम जी। सर क्या नाम है आपका? काशिफ। काशिफ साहब मुझे ये बताएं, सेल्फ मेडिकेशन का आइडिया है आपको जो हम यहाँ पे बहुत करते हैं? जी जी मैडम बिल्कुल आइडिया है, सेल्फ मेडिकेशन में लोग अपने तौर पे मेडिसिन लेना शुरू कर अपने देते हैं, आप खुद डॉक्टर बन जाते हैं। किसी को अगर बुखार है तो वो खुद जाके कह देगा हमें पैनाडोल दे दें, उनको ये नहीं पता होता कि हमने बुखार में कितनी खानी है। अगर देखें आपको पता है पैनाडोल अगर वो एक गोली की डिमांड है, अगर दो खा लेगा उसके वाइट सेल कम हो जाएंगे उससे, तो उससे बेहतर है कि डॉक्टर से मशवरा करे, अपना टेम्परेचर चेक करवाए, मुझे कितना टेम्परेचर है, उससे वाले से
मेडिसिन ले। बिल्कुल सही, बहुत सी ऐसी दवाइयाँ जनरल भी होती हैं जो आप किसी एक सिम्टम में खा लो आपको नुकसान होता है, जैसे कहा गया था कोविड में ग्लूफिन नहीं खानी, कुछ ऐसी रिसर्चेज आ रही थी, कुछ पेन किलर्स हैं जो आपको सूट नहीं करती और आप खुद ही लेना शुरू कर देते हैं। इसमें बहुत मैडम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें काफ़ी नुकसान है। हम कुछ एंटी अल्सर मेडिसिन अपने तौर पर ले रहे होते हैं, एंटी एंगजाइटी मेडिसिन तक भी हम अपने तौर पर लेते हैं, जैसे खुद लोग अपने मेडिसिन लेते हैं। और अफसोस की बात ये कि ओवर द काउंटर मिल भी जाती है, मिल जाती है। तो क्या करना चाहिए, इसको कैसे रोकें हम? इसमें हुकूमत ये करे कि जो हमारे डॉक्टर हैं उनकी प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मेडिकल स्टोर दवा ना दे। जैसे देखें बाहर के मुल्कों में है इंटरनेशनल पे प्रिस्क्रिप्शन के बगैर वो नहीं देते, यही होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर भी कि मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं मिले, नहीं मिलने चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। क्या नाम है भाई आपका? असद नाम है मैडम। असद भाई क्या करते हैं आप? मैं फार्मास्यूटिकल में। फार्मास्यूटिकल में है, अच्छा फिर तो आप बड़े जबरदस्त तरीके से जानते होंगे। सेल्फ मेडिकेशन किया कभी आपने? की है मैडम। की है? की है। किस किस चीज़ के लिए? मिल जाती है गले की खराब के लिए भी एजोमैक्स ले लेते हैं, स्टमक का इशू हो तो मैं प्रोजोरेक्सी वगैरह यूज कर लेते हैं, इसके अलावा कुछ सर में दर्द हो तो ब्रूफेन पैनाडोल वगैरह ये आराम से। और नींद फार्मेसी वाले पूछते भी नहीं है? नहीं, नींद ना आ रही हो तो कौन सी वगैरह इजीली मिल जाती है? इजीली मिल जाती है, वो आपको पता है नशे के लिए भी इस्तेमाल होती है। जी मैडम, पर यहाँ पे आपको पता है कोई कंट्रोल नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो फार्मेसीज वाले अपनी उनको कोई पूछता नहीं तो वो फिर अपनी मनमानी कर रहे हैं, वो तो अपना बिजनेस उसको आपको पता है कैरी कर रहे हैं। अच्छा ये भी होता है नॉर्मली आप फार्मेसी पे जाके कहो मुझे कमर में बड़ी दर्द हो रही है, वो कौन सी दवाई खाएं, वो आपको दवाई पकड़ा दे देते हैं? बिल्कुल दे देते हैं। गलत प्रैक्टिस है, बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। उसमें ये है कि फिर वो गैर मेरी दवाई भी आपको पकड़ा देते हैं जिसके रिजल्ट्स भी नहीं है, जिसके साइड इफेक्ट्स भी आ सकते हैं। वैसे ये क्यों है, लोग डॉक्टर पे क्यों नहीं जाते, ओवर द काउंटर क्यों मेडिसिन ले लेते हैं? उसमें दो तीन चीजें, अगर आप डॉक्टर पे जाते हैं फीस वगैरह भी, पेशेंट आपको पता है यहाँ पे पाकिस्तान में पुअर क्लास पेशेंट है, वो कहता है यार बुखार है, मैं 100-150-200 जाके डॉक्टर को दूँ, क्योंकि उसको पता है पैनाडोल से ठीक हो जाए, वो पैनाडोल ले लेते हैं, तो वो फिर सम टाइम होता है कि वो ठीक हो जाता है, सम टाइम वो बिगड़ भी जाता है, फिर वो जाता है डॉक्टर के पास जब तक ज़्यादा हो जाता है, तो जो सबसे बड़ा मसला है यहाँ। अच्छा, इस सिस्टम को ठीक कैसे किया जा सकता है, कौन है जो ये चेक रख सकता है कि जी प्रिस्क्रिप्शन के बगैर अगर किसी ने दवाई दी तो वो? इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट अपना काम करे, ड्रैब को बड़ा काम करने की जरूरत है, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल नाकाम है और जीरो बड़ा वजीरो परफॉर्मेंस होंगी। आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द फार्मेसीज के पास लाइसेंस भी नहीं है और वो चल रहा है उनका काम, कोई पूछने वाला नहीं। हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए ये एक बड़ा टास्क हो सकता है अगर वो इसको ऑप्ट कर ले। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, आप हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए कहती हैं बड़ा काम कर रही हैं, लेकिन आई थिंक हेल्थ डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री से लेकर तमाम लोग जो इन्वॉल्व हैं, वो चाहे सीईओ हेल्थ हैं, वो चाहे सेक्रेटरी हेल्थ हैं, उन सबको ऑप्ट करना चाहिए कि यहाँ पर लोगों की हेल्थ ख़राब हो रही है ओवर द काउंटर मेडिसिन लेके। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मियां हैदर सलीम। हैदर भाई मुझे ये बताएं, आपने कभी खुद से दवाई ली है? जी बिल्कुल। किस चीज की? पैनाडोल के नाम नहीं लेना, पैनाडोल तो सभी लेते हैं। दांत में पेन की। दांत में पेन की? कौन सी पेन किलर ली? इनसेड। किसने बताया था आपको? मेडिकल स्टोर। वो डॉक्टर तो नहीं होता? नहीं, एक्चुअली रीजन ये है कि देखें फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब अगर हमें डॉक्टर नहीं मुहैया होता तो हम इस तरह होता है और मोस्टली इसी तरह होता है कि हम मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं, भाई हमारे दांत में पेन है तो हमें मेडिसिन चाहिए, तो मोस्टली मिल जाती है। लेकिन प्रॉपर ये आपकी बात से मुतफिक हूँ कि ये जो ऐसा हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। देखिए अब एक कंपाउंडर मतलब कि जिसे हम ये फार्मासिस्ट कहते हैं, इनको ये चाहिए कि डॉक्टर की स्लिप के बिना मेडिसिन नहीं देनी चाहिए, इसमें लोगों को ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं उसकी वजह। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि अब उसको नहीं पता कि इसकी बीमारी के लिहाज से इसको कितनी पोटेंशियल की जो मेडिसिन देनी चाहिए, इस चीज़ पे गवर्नमेंट को सख्त एक्शन लेना चाहिए। हेल्थ डिपार्टमेंट आज का बड़ा एक्टिव है हेल्थ कार्ड के ऊपर। जी बिल्कुल, बाकी लेकिन बात तो ये, अभी मैं ब्लड दे के आया हूँ, ठीक है, जिना हॉस्पिटल में, अभी वहाँ पे क्रॉस मैचिंग के लिहाज से, अमले के लिहाज से, मतलब कि बड़ा मिसगाइड है, लोगों को बड़ी तंगी का सामना है। हेल्थ डिपार्टमेंट इन चीज़ों पे काम कर रहा है तो इन चीज़ों पे भी हेल्थ डिपार्टमेंट को काम करना चाहिए। सबसे बड़ी रीज़न इसकी, ये जो मेडिकल स्टोर पे जाके लोग मेडिसिन लेते हैं, उसकी रीज़न ये है कि लोग अपना खर्च नहीं पूरा कर सकते, इतनी महंगाई हो चुकी है कि एक डॉक्टर 500 रुपया फीस मांगता है जाके, 1000 रुपया फीस मांगता है, ठीक है, 1000 रुपया फीस मांगता है, कोई 5000 मांगता है। कहने का मकसद है कि हर डॉक्टर ने अपना पैशन जो है ना वो पैसा बना लिया, खिदमत खलक छोड़ दी हुई है, डॉक्टर्स ने पैसा कमाने का एक ढंग बना लिया हुआ, मैं तो ये कहूँगा कि ढोंग बना लिया हुआ है सीधी तरह से। और काइंडली ये हमारी गवर्नमेंट को इस पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि जो हमारे मुल्क के हालात बदतर होते जा रहे हैं इनको हम मजीद इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाए। बिल्कुल सही, और बहुत शुक्रिया भाई आपका। और मीडिया का काम है इश्यूज़ को हाईलाइट करना, वो चीज़ें जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही हैं उनको एक्चुअली हाईलाइट करके गवर्नमेंट को दिखाना कि यहाँ भी तवज्जो की ज़रूरत है, और यही हम कर रहे हैं जी। सेल्फ मेडिकेशन इंतहाई
ख़राब चीज़ है, आपकी हेल्थ कोई ख़राब नहीं करती, आपके सिस्टम के ऊपर भी सवालिया निशान लगती है। तो देखते हैं ये इशू हाईलाइट कर रहे हैं हम, क्या गवर्नमेंट इस पर भी नज़र करती है या नहीं करती। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफीक। रफीक साहब, कभी ऐसे हुआ है कि दवाई लेने गए हैं फार्मेसी पे और उन्होंने आपसे कहा पहले डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन दिखाओ फिर मिलेगी? नहीं, कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ? कभी वैसे हुआ। आप खुद दवाइयाँ ले लेते हैं? ले लेते हैं। कि तबीयत खराब हो तो फला चीज़ की है दवाई, फला चीज़ की? ज़्यादातर ले लेते हैं। ज़्यादातर यही करते हैं? डॉक्टर पे नहीं जाते? नहीं। क्यों? वो बुखार बुखुर के लिए पैनाडोल ये वगैरह खुद ही ले लेते हैं। पैनाडोल तो चले ठीक है, खुद ही ले लेते हैं। पेट खराब हो गया, गला खराब हो गया, फ्लू हो गया, सर दर्द नहीं जा रहा, कमर दर्द नहीं जा रहा, खुद ही पेन किलर भी ले लेते हैं? खुद भी पेन किलर भी ले लेते हैं। गलत नहीं है ये? वैसे है तो गलत, नुकसान होता है। नुकसान होता है। सर्टेन लिमिट से ज्यादा आप पेन किलर नहीं खा सकते? नहीं, वो खानी भी नहीं चाहिए। खानी भी नहीं चाहिए। नीम की गोली ली है कभी आपने? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं ली? कभी नहीं। जरूरत पड़े तो आपको लगता है फार्मेसी से मिल जाएगी? उम्मीद है मिल जाएगी। उम्मीद है मिल जाएगी। इसका मतलब हमारा सिस्टम इतना खराब है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू। वाले साहब, क्या नाम है आपका? आसिफ अंजुम नाम मेरा। आसिफ भाई, ऐसा कभी हुआ है कि फार्मेसी पे दवाई लेने गए हो तो उसने कहा पहले प्रिस्क्रिप्शन दिखाएं फिर दवाई मिलेगी? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ कभी। कभी नहीं हुआ? वो जानने वाले दे देते हैं। जानने वाले हैं? हाँ जी। जानने वाले ना भी हो तो दे देते हैं? वैसे शायद दे देते हैं, मेरे जानने वाले हैं, उनको जो भी मतलब मेडिसिन थोड़ा बहुत तो पता ही है। थोड़ा बहुत पता है? हाँ। मसलन क्या? मसलन पैनाडोल बुखार के लिए पैनाडोल ही चल रही है। दर्द वगैरह के लिए, एलर्जी वगैरह के लिए जो रिजिक्स वगैरह वो आराम से मिल जाती है। कमर में दर्द हो रही हो या कंधों में दर्द हो रही हो तो पेन किलर? पेन किलर तो न्यूब्रल फोर्ट वगैरह वो मिल जाती है, आराम से मिल जाती है। अच्छा, ऐसे ये खराब बात नहीं है कि अगर आप ज़्यादा ले लें तो आपको उल्टा नुकसान हो सकता है? हाँ, ये खराब तो है, जाहिर सी बात है, अगर आप डोज ज़्यादा लेंगे तो नुकसान होगा। डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन उस टाइम की बचत के लिए, टाइम की बचत के लिए। अक्सर लोग कह रहे थे पैसों की बचत भी होती है। पैसों की जाहिर बात है, इतनी फीसें हैं, कौन भरे इतनी फीसें, पहले ही खर्चे इतने ज्यादा हो गए हैं। लेकिन आपको लगता है ये सिस्टम बेहतर होने की जरूरत है? लोगों की हेल्थ खराब हो रही है, खुद से दवाइयाँ खा खा के इतने आमादी हो गए हैं क्योंकि मिल जाती हैं आराम। असल में ये भी सही कह रही हैं आप, हो रही है सेहत खराब, लेकिन ये है माड़े बंदे हैं, वो देखते हैं कि चलो यार बुखार है पैनाडोल ले ली, महंगाई इतनी ज्यादा हो रही है। लोग जाके मैं बड़े लोगों को ऐसे भी जानती हूँ, खुद फार्मेसिस्ट को जाके कहते हैं मुझे ये हो रहा है, कोई दवाई दे दे। हाँ, और वो दे भी देते हैं। इस तरह में उनके पास होता है वो जो वो बी कैटेगरी जिन्होंने की होती है ना, वो फार्मेसिस्ट में वो इस तरह दे देते हैं। वो डॉक्टर तो नहीं होते, उनको अलाउ तो नहीं होता कि दवाइयां लिख के। डॉक्टर नहीं है लेकिन उनको पता होता है थोड़ा बहुत। पता थोड़ा बहुत तो मुझे भी पता है। मैं बताती हूँ आपको, बताएं क्या कौन सी दवाई लेनी है, मैं आपको बताती हूँ जाके ले लें, वो तो आप इंटरनेट पे भी चेक कर सकते हो। हाँ ये तो है, लेकिन सही तो यही है ना कि डॉक्टर से आप जाके मशवरा करके फिर ही लेनी चाहिए। वैसे मैंने बिल्कुल। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हमजा। मोहम्मद हमजा जी। हमजा, आप कभी फार्मेसी पे दवाई लेने गए हो तो उन्होंने आपसे कहा प्रिस्क्रिप्शन दो? जी, कभी ऐसा हुआ तो नहीं है कि कभी भी हम अपने जो हमारे मुकामी इलाके हैं वहाँ पे जाकर हमने किसी चीज़ की दवाई मांगी हो तो हमें कभी उन्होंने इनकार किया हो कि आप जो हैं किसी डॉक्टर की पर्ची लेके आए हैं या जिसके आपने चेक वगैरह करवा रहे हैं। वो चाहे एंटीबायोटिक्स हो, वो चाहे नींद की गोलियां हो, वो चाहे पेन किलर हो, मिल जाती है। नींद की गोलियां से लेकर आपको जो कफ सिरप है जिनसे इंसान को नशा भी हो जाता है वहां तक आपको डॉक्टर जो मेडिकल स्टोर वाला है वो बगैर किसी डॉक्टर की ऑथोराइजेशन के आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर देता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए भी और हमारे मुआशरे के लिए भी ये बहुत गलत चीज है। आलमी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कसूर किसका है? फार्मेसी वालों का, लोगों का या हेल्थ डिपार्टमेंट का? कसूर कभी भी उस बंदे का नहीं है जिसने अपना मेडिकल स्टोर डाला है। उसने तो पैसे देखने, पैसों से उसने अपना काम करना है। उसको पैसे आ रहे हैं, उसको पैसे अच्छे लगते हैं आते हुए, उसने ये नहीं देखना कि अगले बंदे की हेल्थ पे क्या असर करेगी क्या नहीं करेगी। आया कि ये मैं जो इसको मेडिसिन दे रहा हूँ ये इसके ऊपर क्या नाम है, इसके बॉडी के ऊपर इसको सही तरह से असरात भी करेगी या नहीं करेगी, इसको सही करेगी। कौन सी मेडिसिन लेनी है कौन सी नहीं, ना बंदे को पता है ना फार्मेसी वाले को पता है। आप सर दर्द से लेकर कैंसर तक की दवाई आप मेडिकल स्टोर को बगैर किसी डॉक्टर की पर्ची के आप मेडिसिन ले सकते हैं। भाई कसूर किसका है आपको मैं बताता हूँ। इसमें सबसे पहले तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसको इसका सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, फिर हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट है जिनके अंडर ये सारा काम, डिपार्टमेंट के पास और बड़े काम है। हेल्थ कार्ड इतना बड़ा प्रोजेक्ट है वो उसके ऊपर फोकस्ड है वो? नहीं नहीं नहीं, ऐसी नहीं होता है कि आप सिर्फ एक चीज़ को लेकर फोकस हो। हेल्थ डिपार्टमेंट का मतलब ये है कि इंसान के जो क्या नाम है काम है जिस्म के उसके ऊपर कौन सी दवाइयाँ होनी चाहिए, क्या उसका क्या नाम मराहिल होनी चाहिए, वो सारी की सारी कवर होनी चाहिए। बिल्कुल कवर होनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट थोड़ी है,
उसमें तो 3600 किस्म के डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने इस चीज़ को देखना है। फिर हर इलाके में डिपार्टमेंट है, हर जगह पे इसके इसके हवाले से काम भी हो रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर काम नहीं होता कि हम जाकर बगैर किसी ऑथोराइजेशन के हम जाके अपनी ले लेते हैं। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब है कि अगर हेल्थ डिपार्टमेंट रोकथाम करे और रोकथाम करे तो बिल्कुल बना दे कि ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब ये रुक जाएगा? बिल्कुल, इंशाल्लाह अगर इसके ऊपर अमल हो तो ये क्यों नहीं रुकेगा। अब चंद दिन पहले हमारी गवर्नमेंट ने इशू किए थे कि ये हेलमेट पहने, सख्ती के साथ ऑर्डर किया था, हेलमेट सब लोगों ने ले ली, उसके बाद चाहे अमल हुआ या नहीं हुआ। हाँ। इसी तरह से अगर ये इसके ऊपर भी हेल्थ के ऊपर भी काम करें और इसके ऊपर सख्त सख्त एक्शन ले, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट भी, हमारी गवर्नमेंट भी, तो इंशाल्लाह ये कंट्रोल हो सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और सबसे पहले एक मैं मेन अहम पैगाम मैं देना चाहता हूँ कि हमारे जो MPA MNA वो हम तक इन बातों को लेकर पहुँचे या ना पहुँचे, मैं अपने TV चैनल्स का, चाहे वो प्रिंट मीडिया है चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो हम तक ये सवाल लेकर आता है और आवाम तक इसकी रसाई फराहम करता है और लोगों को फ़रोग देता है इस चीज़ का कि आप इन चीज़ों से कंट्रोल रहें। अल्लाह पाक जितने भी ये प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो इसके ऊपर काम कर रहा है, तमाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना वो इससे अता फरमाए। बहुत शुक्रिया भाई, किसी ने हमारी तारीफ की, वरना नॉर्मली तो वज़ीर आज़म से लेकर तमाम हुकूमती अहदेदारान जो है वो हमें क्रिटिसाइज ही कर रहे होते हैं कि जी आवाम के पास माइक लेके निकल जाते हैं और लो जी इनका काम ही है। इशूज हाईलाइट करना हमारा काम है, मैं हमेशा बिल्कुल ऐसे ही इशू आपने हाईलाइट करने हैं, मैं वही बता रहा हूँ ना कि कोई और पहुँचे ना पहुँचे, कम अज़ कम हमारा मीडिया हम तक पहुँचता है, जिससे अब पूरा लाहौर हमें देख रहा है City 42 के ज़रिए से कि हमारे इस लाहौर के अंदर जिस तरह से हमारे मेडिकल इश्यूज जितने भी हैं वो हम बगैर किसी डॉक्टर के ऑथोराइजेशन के हम वो कर रहे हैं काम। बिल्कुल, इसको बिल्कुल रोकना चाहिए, कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसको बिल्कुल रोकना चाहिए, इसके ऊपर काम नहीं होना चाहिए, इससे बहुत सी जानों का खतरा भी रहता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच जी। बात भाई की बिल्कुल ठीक थी कि ये सेल्फ मेडिकेशन टॉपिक इशू हाईलाइट करने का मकसद एक तो हुकामे बाला तक पहुंचाना है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, दिस इज़ द रियलिटी, जो आप कहीं पर भी चले जाएं प्रैक्टिस कर लें, वो नींद की गोलियां हो जो आपको नशा दे सकती हैं, वो खांसी के सिरप हो, वो एंटीबायोटिक्स हो, भाई ने कहा कैंसर तक की दवाइयां प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मिल जाती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मिल जाती हैं, रोकना किसने है, ये इशू हम हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर आवाम की अवेयरनेस भी हो रही है, आवाम को पता लग रहा है कि जी आप खुद से दवाइयाँ लेते रहेंगे उसका अल्टीमेटली नुकसान होता है, आपकी हेल्थ डाउन हो जाती है और फिर आपको समझ ही नहीं आती है भाई मैंने तो कुछ नहीं किया था, आपको समझ ही नहीं आती आपके साथ हुआ क्या है, डॉक्टर आपको बताता है कि ये जितने अरसे से आप दवाइयाँ खा रहे हैं इससे आपके ये नेगेटिव असरात मरतब हुए हैं। और इस पर हम डॉक्टर से भी बात करेंगे, जानेंगे सेल्फ मेडिकेशन किस हद तक नुकसानदेह होती है लोगों की अवेयरनेस के लिए और हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर उन्हें फोकस करने की जरूरत है। अगर फर्ज किया दांत दर्द है तो डॉक्टर ना मशवरा करो, उन्हें मशवरा जाकर मेडिकल स्टोर लिख के देगा, मेडिकल स्टोर दवाई ले लो। अक्सर लोग जाते हैं मेडिकल स्टोर तो जाकर दवाई ले लेंगे ने कि जी मेरे पेट में दर्द हैगी है या मैं BP लो है या मसला है, मेडिकल स्टोर तो दवाई ले आते हैं खा लेंगे, मसला ज्यादा बन जाता है, लेकिन इंज नहीं होना चाहिए, इंज नहीं होना चाहिए, लेकिन मेडिकल स्टोर तो मिल रही है ना, मिल रही है, वो भी नहीं पूछते कि डॉक्टर दिखा नहीं पूछते, वो हकीकत दे हकीकत करते ने, हकीकत दवाई दे देते ने। हां ते कोई ऐसा बंदा कोई डॉक्टर तो नहीं लोदे, वो मुलाजिम होते ने, लेकिन ये कि रिपोर्ट कराओ दिल को होर भी मसला बन सकता है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कुछ भी हो सकता है, लेकिन डॉक्टर के मशवरे बगैर मेडिकल स्टोर वाले नु दवाई ऐसे नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिड़ी देंदे ने। बड़ी समझदारी वाली गल की तुसी मेरा भाई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। मेडिकेशन का कितना नुकसान है, हमारे डॉक्टर हजरात उसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं और मेडिकल ओपिनियन जो डॉक्टर ही बेसिकली आपको दे सकते हैं उसमें सेल्फ मेडिकेशन के हद तक नुकसानदेह हो सकती है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर इसारुल हक़ तूर साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा ये सेंसिटिव टॉपिक है और उस पर आप अक्सर शोज़ में बड़ी बात करते हैं, हमेशा हम जब भी डॉक्टर साहब को इन्वाइट करते हैं तो सेल्फ मेडिकेशन का एक मैसेज आपका लाजमी होता है, क्या है ये सेल्फ मेडिकेशन? सेल्फ मेडिकेशन ये है कि खुद से एक ऐसा बंदा अपने लिए दवाई या अपने किसी करीबी के लिए दवाई
मुंतखब भी कर रहा है और दे भी रहा है या खा भी रहा है, जिसके लिए ना ही उसके पास ट्रेनिंग है और ना ही उसको बीमारी की और ना ही उस दवाई के बारे में मालूमात पूरी है। पूरी इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ी बहुत मालूमात उसने ली होती है किसी नेट से, किसी दोस्त से, वो पूरी मालूमात उसके पास नहीं होती और वो उसको ऑथोराइज़ भी नहीं होता उसको किसी को देने के लिए और या ख़ुद खाने के लिए। मुख्तलिफ इकसाम है उसमें, आप देखें कि कभी एक बार किसी वजह से रात को ज़्यादा नींद ना पूरी करने से अगर सुबह सर दर्द होगी तो उसने एक पैरासीटामोल की गोली खा ली और फिर उसको 3 महीने बाद दोबारा किसी शिफ्ट के लिए ज़्यादा काम करना पड़ा तो उसने दोबारा से हेडेक के लिए गोली खा ली। तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ सेल्फ मेडिकेशन है, लेकिन ये जस्टिफाइड है और सारी दुनिया में होती है और अलाउड है। ठीक है। कभी कभार सिमिलर कंडीशन के लिए, एक माइल्ड डिजीज़ के लिए जिसका एक नॉन रीज़न है हमारे पास, उसको करने में हर्ज कोई नहीं और सारी दुनिया में होती है। और कहने का मकसद ये है कि ख़ास हद तक सेल्फ मेडिकेशन हर कोई कर रहा है और उसकी जस्टिफिकेशन भी है और उसकी इजाज़त भी है, लेकिन जो सेल्फ मेडिकेशन नुकसानदेह है उसकी मुख्तलिफ अकसाम है। मसलन ये है कि डायबिटीज़ का पेशेंट है, किसी भी क्रॉनिक कंडीशन का या ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, उसके पेरेंट्स को ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है और वो ठीक नहीं हो रही, लेकिन उसके किसी दोस्त के वाले साहब को भी ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ थी तो उसने कहा ये दवाई मैं खाता हूँ इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है, ये बड़ी अच्छी है। उसने बगैर उसकी वजह जाने उसको अपने वाले साहब को देना शुरू कर दिया कि आप भी ट्राई करें। ये एक इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशन। इसी तरह सेम डायबिटीज़ के लिए और बास कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स इतनी डेंजरस हैं कि अगर किसी प्रॉपर ट्रेन बंदे ने उस कॉम्बिनेशन को ना बनाया हो तो ख़तरनाक हो सकता है। बिल्कुल, वो पर्सन टू पर्सन और पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। एक तो ये है कि ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ किसी एक्सपर्ट ने लेबल किया हुआ है, उसकी दवाई वो खुद से सर्च करके या किसी दोस्त के कहने पर ले कर वो दे रहा है, तो वो एक सेल्फ मेडिकेशन की किस्म है। दूसरी ये है कि उसकी कंडीशन ही गलत है, वो जिसको समझ रहा है कि सीने में जलन या हार्ट वो हो रहा है, वो मैदे की वजह से हो रहा है, लेकिन उसकी क्योंकि ट्रेनिंग और प्रॉपर उसकी नहीं है बैकग्राउंड मेडिकल की, तो वो एक हार्ट अटैक को गलत तरीके से परसीव कर रहा है कि ये सीने में जो तकलीफ़ है ये मैदे की वजह से है और वो मैदे का कोई सिरप दे रहा है, तो ये सेल्फ मेडिकेशन की और ख़तरनाक किस्म है। बिल्कुल सही। इसी तरह स्लीपिंग पिल की मिसाल है जो कि इंतहाई एक ख़तरनाक एस्पेक्ट है कि इवन द स्लीपिंग पिल्स ओवर द काउंटर या मेडिकल स्टोर से हमें बगैर नुस्खे के भी मिल जाती हैं, तो वो अगर एक दो में हेल्थ डिपार्टमेंट कहता है ट्रैंकुलाइजर या जितनी ऐसी मेडिसिन है जिससे नशा हो सकता है वो हमने कंट्रोल की है, वो ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं मिल सकती, अभी भी मिल रही हैं और लोग एक्चुअली उसको ना सिर्फ एडिक्शन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं कि नींद आ भी रही है फिर भी क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी है तो आपको मिल रही हैं और वो लेते जा रहे हैं, लॉन्गर रन ये भी आपकी हेल्थ को डिटेरियरेट करते हैं। जी डेफिनेटली, ये तो बहुत ही डेंजरस एस्पेक्ट है ना। एक बंदा है उसको एक ख़ास मुद्दत के लिए एक दवाई लिखी गई है, कोई उसका स्ट्रेस डिसऑर्डर है उसकी वजह से, किसी डॉक्टर ने उसको एक ख़ास पिल दी है फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और वो फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम वो लेता जा रहा है क्योंकि उसके पास एक डॉक्टर का नुस्खा था, मतलब उसको लिखा गया था कि स्लीपिंग पिल आधी गोली रात को तुम ले लो एक हफ्ते के लिए क्योंकि ये स्ट्रेस का एलिमेंट है सेटल हो जाएगा, और वो उसको लेता जा रहा है फॉर ईयर्स और उसके बाद उसको आधी की बजाय उसने डबल कर दिया, डबल की बजाय उसने 3 गुना कर दिया और उसकी डोज बढ़ती जाएगी, उसकी एक किस्म की एडेप्टेशन जिस्म की होती है कि हर रोज़ उसको फिर ज़्यादा दवाई की ज़रूरत होगी, फिर वो डेंजरस लेवल्स पे चले जाएंगे। तो ये बहुत ही ख़तरनाक है। ट्रैंकलाइजर, स्टीरॉयड्स, एंटीबायोटिक्स ये एक डेफिनेट पीरियड के लिए दी जाती है, अगर इनके किसी ने प्रोलॉन्ग यूज़ के लिए करना है तो उसका एक सर्टिफिकेट इशू होता है जिसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रोलॉन्ग यूज़, कि वो फार्मेसी को दिखा के उसकी सप्लाई भी एक ख़ास मुद्दत से ज़्यादा मिलनी नहीं चाहिए और दुनिया में वेस्टर्न वर्ल्ड में भी उसको रीसप्लाई हासिल करने के लिए दोबारा विजिट करना प्रिस्क्रिप्शन लेनी पड़ती है, उसके ऊपर डेट लिखी होती है, अमाउंट लिखी होती है कि इसके बाद अगर आपने रीफिल कराना है तो नई प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होगी। डॉक्टर साहब, एंटीबायोटिक्स का आपने जिक्र किया, दुनिया भर में इसको डिस्करेज किया जा रहा है और अब तो बहुत सी रिसर्च में प्रोबायोटिक्स की तरफ भी जाया जा रहा है, तो ये डॉक्टर ने डिसाइड करना है कि किसको क्या चीज़ कितनी मिकदार में चाहिए। एंटीबायोटिक के लिए ना कोई रूल है ना कोई रिकॉर्ड है, फार्मेसी पर जाएं आप, उनको जाके साइन एंड सिम्टम बताएं, वो आपको एंटीबायोटिक पकड़ा देते हैं। गला ख़राब है तो बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जिनके मैं खुद नाम ले सकती हूँ कि ये एंटीबायोटिक फ्लाफला चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, 3 दिन ले लो नहीं तो 5 दिन ले लेना, मतलब हर कोई डॉक्टर बना हुआ है, इसको कैसे करना है? नहीं, एंटीबायोटिक का जो इनफ्रीक्वेंट यूज़ है ना वो तो ठीक है कभी कभार ली, लेकिन हमारे मुल्क में जो फ्रीक्वेंट यूजेज है और ओवर द काउंटर सप्लाई है वो बहुत बड़े मसाइल की वजह बनती जा रही है। हमारे यहाँ सुपर बग्स बन रहे हैं,
सुपर बग से मतलब ये है कि वो टाइफाइड जो आम तौर पे कुछ अर्सा पहले जब हम पढ़ते थे तो ये एक नहीं दस दवाइयों से कंट्रोल में हो जाता था, लेकिन अब उसके लिए ऐसी दवाइयां हैं जो एक से दो के बाद सिर्फ इंजेक्शन की सूरत में हैं जो इसको मारती हैं। इतना रेजिस्टेंट हो गया, इसी वजह से हो गया कि फ्रीक्वेंट यूज़ के लिए वही एंटीबायोटिक्स जो उसके लिए सेंसिटिव थी अब वो सेंसिटिव नहीं रही। इसी तरह शाह की नाली का इन्फेक्शन है, वो एक अब बहुत मुश्किल से वो ट्रीट हो रहा होता है क्योंकि आम फर्स्ट लेन पे जो दवाइयां हैं वो इतनी फ्रीक्वेंटली मुआशरे ने इस्तेमाल कर ली हैं, आदी हो गए हैं कि वो बग्स जो हैं रेजिस्टेंट हो गए। और ना सिर्फ ये है कि जब वो ख़ास मिकदार और ख़ास टाइम से ज़्यादा जब दवाई लेते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स दूसरे ऑर्गन सिस्टम को मुतासिर कर रहे होते हैं। मतलब एक दवाई है, फ़र्ज़ कर लें आजकल कोरोना के दौर से हम गुजरे हैं रिसेंटली, तो सांस की नाली के इन्फेक्शन के लिए एजिथ्रोमाइसिन बड़ी यूज़ हुई है, मुख्तलिफ नामों से आती है, एजोमैक्स और इस तरह की नामों से आती है। बहुत सारे लोगों ने उसे ओवर द काउंटर क्या घर में सप्लाई स्टॉक की हुई थी और उस पर इस्तेमाल करते रहे। अब उसके बहुत सारे ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि पेट की ख़राबी का बायस बनते हैं, बहुत सारे ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हार्ट पेशेंट्स को नहीं दे सकते, उसमें दिल के रिदम की ख़राबी का सबब बनते हैं। जब फ्रीक्वेंटली वो यूज़ करते रहेंगे और ऐसी इलनेस के लिए इस्तेमाल करेंगे जिसका वायरल इलनेस है, जिसका बैक्टीरिया से ताल्लुक ही कोई नहीं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स आम तौर पे जो इस्तेमाल हो रही होती है बैक्टीरिया इन्फेक्शन के लिए हम दे रहे होते हैं, उसमें वायरल इलनेस में उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वायरल इलनेस ने खुद से हो के ख़त्म हो जाना है, ये देनी है, तो एंटीवायरल एक अलहदा क्लास ऑफ ड्रग है। तो हमारे यहाँ क्योंकि एंटीवायरल तो इतनी अवेलेबल नहीं है तो एंटीबायोटिक्स हम बार बार वायरल इलनेस सब चीज़ें जो है वो इससे ठीक हो जाए। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, और ये बड़ी गलत प्रैक्टिस है। और आपने एक बात बिल्कुल ठीक की, क्योंकि ओवर द काउंटर मिलती है, बॉडी इतनी यूज टू हो जाती है कि जब उसका एक्चुअली असर करने वाला टाइम होता है उस वक्त वो असर नहीं करती है। सो एक मैसेज गवर्नमेंट के लिए भी और लोगों के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए ये कि हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्या वाकई में कोई ऐसा सिस्टम है जिसको राइज करें? क्योंकि आपसे बातें सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि ये तो हम बिल्कुल ही एक डिस्ट्रॉयड सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं, हेल्थ इतनी ख़राब कर रहे हैं। लेकिन उसमें ये है कि फार्मेसीज का कंट्रोल जो है जब तक क्वालिफाइड लोगों के पास आएगा तो ये चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। अब हम जाते हैं जब फार्मेसी में एज ए कस्टमर जाते हैं तो हमें अगर वहाँ पे कोई चेन फार्मेसी या कोई अच्छी फार्मेसी जिसमें क्वालिफाइड फार्मासिस्ट अवेलेबल हैं तो वो बाज़ बातें इस तरह की कर रहे होते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं कि नुस्खा दिखा दें, अपने डॉक्टर से पूछें। ये दो तीन जुमले हमें सुनने को मिलते हैं तो बड़ा रीश्योरेंस मिलती है कि थिंग्स आर मूविंग। लेकिन ज़्यादातर फार्मेसी जो खासतौर पर छोटे शहरों में हैं, कस्बों में हैं, वहाँ या लाहौर में वहाँ पे जो आने वाला कस्टमर है वो आमतौर पर सिम्टम्स बता रहा है और वो डॉक्टर साहब जो सो कॉल्ड डॉक्टर हैं वहाँ पर बैठे वो दवाई भी दे रहे हैं। तो एक तो फार्मेसीज का कंट्रोल बेहतर पढ़े लिखे लोगों के हाथ में जाने से और उसका कंट्रोल उनको मॉनिटर करने से बेहतर हो जाएगा। दूसरा ये है कि खास स्पेशलाइज ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स जो हैं जिस तरह एंटीबायोटिक्स हैं, पेन किलर्स हैं, स्टीरॉइड्स हैं, इनका बाय रेगुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे जाके सख्ती करके हम फार्मेसीज को पाबंद करें कि इनको आप खास मुद्दत से ज़्यादा इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लोगों को ना सप्लाई दिया करें। अगर देनी है तो उसका कोई सर्टिफिकेट, कोई इसकी परमिशन का कोई सिस्टम हो जिसमें प्रोलॉन्ग यूज़ की उन्हें इजाज़त हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और लोगों के लिए क्या मैसेज है? लोगों के लिए मैसेज ये है कि गूगल बहुत अच्छी ऐप है और इंटरनेट बहुत अच्छी नेमत है, लेकिन ये डॉक्टर का मुतबादल नहीं है। तो ये डॉक्टर्स की एक जो ट्रेनिंग है 5 से 7 साल की मेडिकल कॉलेज की और उसके पास 7 साल की स्पेशलाइजेशन की, उसका गूगल की सर्च जो है उसका मुतबादल नहीं है। इसलिए खुदारा अपनी और अपने प्यारों की सेहत को नुकसान में ना पहुँचाएँ और उसमें ख़तरे में ना डालें। उस सर्च को ज़रूर करें डॉक्टर से क्वेश्चन करने के लिए, ना कि खुद से उसको उस एक्शन को लेने के उसका जो रोल है उसको अडेप्ट ना करें। बिल्कुल सही, ये ना कहें कि मेरे पेट में दर्द हो रही है या मेरी कमर में दर्द हो रही है तो कौन सी पेन किलर जो है वो मुझे इफेक्टिव होगी। और ये मैसेज जो है वो आपका लेमन से लेकर पढ़े लिखे लोगों के लिए भी है, और मोस्टली पढ़े लिखे लोग जो हैं वो गूगल डॉक्टर को प्रेफर कर रहे होते हैं, जो नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। नाज़रीन, आज प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि हेल्थ डिपार्टमेंट को दिखाना है कि उन्हें कहाँ कहाँ काम करने की ज़रूरत है। ये टॉपिक जो आज हमने चूज़ किया, ये एक्चुअली आइंदा आने वाले सालों में हमारी बॉडी हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ को इस कदर बुरी तरह से तबाह कर रहा है कि आइंदा आने वाली नस्लें जो हैं वो हमें बाहर कम अस्पतालों में ज़्यादा नज़र आ रही होंगी। पेशेंट लोड का हम बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं, कहीं ना कहीं अगर इस पर रिसर्च की जाए तो सेल्फ मेडिकेशन भी उसकी एक बड़ी वजह हो सकती है कि किस कदर उसके साइड इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी को इन लॉन्गर रन ख़राब कर देते हैं। इसका मकसद, इस शो का मकसद सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट को दिखाना नहीं, लोगों के लिए एक सवाल छोड़ना है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म आपको उसी वक्त
ठीक हो जाएं, आपका इलाज हो जाए, या लॉन्गर रन में आपकी जो हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। लोगों के लिए ये सवाल पैदा करना है कि ओवर द काउंटर मेडिसिन मिल तो जाती है बड़े आराम से, लेकिन उसका जो नुकसान है वो आपके आने वाले दिन ख़राब कर सकता है। ये सवाल उन लोगों के लिए जो गूगल को डॉक्टर समझते हैं और डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। कहीं ना कहीं ये इतना बड़ा अलमिया है कि हम अपने आप को अकले कुल में समझना शुरू कर देते हैं। हम समझते हैं जी हमें सब कुछ पता है, हमारे अजीज़ों का अकारब अगर ठीक होगा इस मेडिसिन से तो हम भी ठीक हो जाएंगे। अपनी रिसर्च ठीक कीजिए, जिसका काम है उसी को करने दीजिए, बजाय इसके कि मेडिकल स्टोर पर मौजूद उस बंदे से आप दवाई पूछें, आप एक डॉक्टर के पास जाइए और उनसे मेडिसिन लीजिए। लेकिन वहीं पर जो लोगों ने एक सवाल उठाया कि हम पैसे बचा लेते हैं, इतने पैसे नहीं होते कि डॉक्टर को भी दें और फिर दवाइयाँ भी ख़रीदें, हेल्थ डिपार्टमेंट OPD वार्ड्स को हॉस्पिटल्स में किस हद तक फाल करता है, उस पर कितना काम करने की ज़रूरत है कि लोगों को डॉक्टर जो है वो फ्री में अवेलेबल हो, ये वो तमाम सवाल हैं जो मैं छोड़े जा रही हूँ, जिसका जवाब शायद हमें फ़ौरन ना मिल सके, लेकिन कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ज़रूर डालता है, कहीं ना कहीं ये इशू हाईलाइट ज़रूर होगा और इसके ऊपर आई रियली होप कि काम भी होना शुरू हो। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।